बगोदर थाना में जो है जीटी रोड में जो है सूचना मिली थी कि एक ट्रक को जो है लूट लिया गया है अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा जो है। इस सूचना पर तुरंत नौशाद आलम जो वहाँ के SDPO हैं उन्होंने चार टीम का गठन किया, चारों जो है अलग अलग दिशा में गई। एक टीम जो है बगोदर से धनबाद की तरफ जब निकलने लगी तो रास्ते में जो है वो ट्रक और जिस ट्रक के द्वारा अवरुद्ध कर वो ट्रक को जो है रोका गया था उस ट्रक को पकड़ा गया और ट्रक को रैकी करने वाले एक हाँ फोर व्हीलर को भी पकड़ा गया। और इसमें एक जो है मेन अभियुक्त जो है कमलजीत सिंह उर्फ पप्पू सरदारा जो है जो मास्टरमाइंड था पूरे केस में, इनके साथ जो है छह अन्य अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया। और ये सर ये जो और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके पहले भी जो है ये हावड़ा में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, हजारीबाग में और झारखंड के अन्य जिलों में भी जो है ये जो है कांड किए हैं और जेल भी जा चुके हैं और काफ़ी मतलब शातिर अपराधकर्मी हैं। इनका काम है कि जीटी रोड में चलने वाले ट्रकों को रोकना और उसके जो खलासी ड्राइवर को बेहोश करके अन्यत्र जगह फेंक देना और ट्रक को फिर लूट कर दूसरी जगह ले जाना और ट्रक को भी खफाना। तो ये काम तो जिस ट्रक को लूटा गया क्या उसमें सरसों तेल लोड था? जी सरसों तेल। कहाँ से कहाँ जा रहा था वो सरसों तेल? ये सरसों तेल जो है पश्चिम बंगाल से चल रहा था और ये जो है बाहर की तरफ जा रहा था, दिल्ली के साइड जा रहा था। सर को ड्राइवर और को ड्राइवर को सकुशल? हाँ सकुशल बरामद किया गया। आइए दिए जलाएं इस दिवाली, घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।